राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक तरफ जहां पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद भी लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। वेस्ट विनोद नगर से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गीता रावत ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कर सैनिटाइज किया। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करती भी नजर आई। गीता रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में घर में रहकर सुरक्षित रहा जा सकता है। जब तक जरूरी काम न हो घर से बाहर न निकले, जब भी निकले मास्क लगाकर निकले। गीता रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। गीता रावत ने कहा कि दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी को रोका जा सके। दिल्ली सरकार और आपके उप मुख्यमंत्री, आपके विधायक दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सभी की बनती है। हम नागरिकों के लिए थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। जैसा कि अभी मैं आ रही थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है कि मैडम शाम के टाइम या दिन के टाइम ही सी सुधार रोड पर बहुत भीड़ रहती है। तो आप सभी से निवेदन है, सबकी जान कीमती है, हम भी चाहते हैं आप लोग सुरक्षित रहें। जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों की भी है। तो बिना वजह कोई घर से ना निकले, जिसको जरूरत हो वही घर से निकले, क्योंकि इस समय स्थिति में बार बार बोल रही हूँ वाकई में ही खराब है। हम नहीं चाहते आप लोग बीमार पड़े, आपको अस्पताल जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि कोरोना ही चल रहा है, हर घर में एक व्यक्ति बीमार है तो उसका कारण कोरोना नहीं, वायरल भी चल रहा है। तो वायरल फीवर भी जैसा कि आपको पता है एक दूसरे से ही फैलता है। तो आप सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि बिना वजह कोई घर से ना निकले। सिर्फ जो दुकानें हैं वही यहाँ पर खुली रहें, ठेले वाले भी एक जगह इकट्ठे ना होकर गली गली में, जैसा कि अगर कोई सब्जी वाली ठेली वाला है वो भी गली गली में घूमे, एक जगह एकत्रित ना हो, भीड़ ना करें। किसी भी दुकान में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है तो उसे सामान ना दें। और सभी दुकानदार भाइयों से भी अपील है, आप लोग भी